मीडिया सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनावी माहौल में हम निरंतर आपके साथ बातचीत करने के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर आते रहते हैं, और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में है हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री कविंदर गुप्ता जी। उनके साथ में है श्री अरुण गुप्ता जी, जो इस मीडिया सेंटर के प्रभारी भी हैं और हमारे प्रवक्ता हैं। उनके साथ में है यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हमारे प्रदेश प्रवक्ता गिरधारलाल रैना जी, जो पूर्व में MLC हैं। उनके साथ में दूसरी तरफ कविंदर गुप्ता जी के रजनी सेठी जी, जो कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं, और उधर उनके साथ में डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता। अब मैं गुजारिश करूंगा रजनी सेठी जी से कि वो इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। यहाँ पर आए सभी मीडिया भाइयों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व डिप्टी CM आदरणीय कविंदर गुप्ता जी हैं, जो हमारी पार्टी के द्वारा डेवलपमेंट के अन्य कार्य पिछले 10-11 साल में जो हुए हैं उनके बारे में आप लोगों के सामने विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपके सामने वो सारी बात रखेंगे। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय कविंदर जी का कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी प्रेस के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ बैठे पार्टी के सभी नेतागण, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई, पूर्ण बहुमत में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार एक एजेंडा रहा है उसको हमने आगे बढ़ाया, और विशेष करके धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में जिसको हमने तोड़ा, प्रथम कार्यकाल में तोड़ा, उसके बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बहुत बड़ा काम जम्मू कश्मीर में हुआ है, और इस सभी के संदर्भ में सबसे पहले यह जरूरी था कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तभी पॉसिबल हो सकता है जब वहां पर उस तरह का माहौल हो, उस तरह का वातावरण हो। मैं 2015 से लेकर के 2018 में सरकार में रहते हुए हमने ये देखा है, एक कश्मीर श्रीनगर में जो पुल था राजबाग, वो आपने देखा होगा 3 साल जैसी स्थिति में था वैसा ही था, लेकिन उसको किस प्रकार से कंप्लीट किया गया, क्योंकि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हुई। जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही उनके द्वारा लगातार जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी खित्तों में समान काम हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है। अगर IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी है तो कश्मीर को भी कुछ मिला, जम्मू को भी कुछ मिला। अगर एम्स हमने यहां पर बनाया तो दोनों खित्तों में उसका निर्माण किया गया, यहां तक कि आपको पहले पता होगा लद्दाख में तो कॉलेज तक नहीं था, वहां पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए यहां पर आते थे। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से हमने नए यहां पर जो 9 कॉलेज खोले हैं उन पर सीटों को जो बढ़ाया है, उसमें हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में दोनों को हमने बढ़ावा दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे लिए एक सपना हुआ करता था, IIT हमारे लिए एक सपना हुआ करता था,
जम्मू कश्मीर के छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, उसके बाद स्टडी करने के बाद वो वहाँ के हो जाते थे, उसको जम्मू कश्मीर का कोई लाभ नहीं पहुँच पाता था। लेकिन आज स्थितियाँ बदली हैं, आज परिस्थितियाँ बदली हैं, और जहाँ तक हम सभी को याद है और याद कराना जरूरी भी है, मैंने भी 20 साल लगातार अप डाउन किया उधमपुर, 2.5 घंटे आने में लगते थे, 2.5 घंटे जाने में, वो गड़ी तक लगते थे, रैम्बल तक लगते थे, लेकिन आज वही रास्ता हम 1 घंटे में नापते हैं। उस समय समय पर यह भी हमें समझना चाहिए समय की, फ्यूल की किस तरह से बचत होती है। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सभी को प्रोवाइड किया है। कश्मीर में जब घर से कोई निकलता था कश्मीर जाने के लिए, तो पहले 2-4 दिन का खाना भी साथ में रख लेता था, पता नहीं कहाँ पस्सी गिरेगी, वहाँ पर हम रुकेंगे, कहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा और वहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। लेकिन आज तय है कि सुबह घर से निकलेंगे, 4 घंटे में हम कश्मीर पहुँचेंगे या 4.5 घंटे में पहुँचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है। जहाँ तक रेल मार्ग का सवाल है, हम खुद जानते हैं कितनी तेजी से ये काम चला, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोई भी जो प्रोजेक्ट लिया जाता है उसके लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं, और ये नहीं है कि इस साल इस पर इतनी अलॉटमेंट होगी, इतनी एलोकेशन होगी, नेक्स्ट ईयर में उसके लिए इतनी होगी। जो प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। हम बड़ी देर से सपने देखा करते थे, शायद हमारे भी यहाँ ऐसी ट्रेन हुआ करेगी जो सुबह जा कर के शाम को वापस भी जम्मू लाएगी, लेकिन आज वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से ये रास्ते हमारे आसान हुए। इस चीज़ को हमें समझना होगा। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपने, जैसे स्मार्ट सिटी का, दोनों शहरों में किस प्रकार से काम चल रहा है, जम्मू बदला बदला नज़र आ रहा है। मैं नहीं कहता कि 100% काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो 70 साल बनाम ये 5-6 साल, इसका जो हम कंपैरिजन करें तो उसमें कितना अंतर हमें नज़र आता है। आज रिंग रोड्स शहर में जाम होने के कारण से, बढ़ती हुई आबादी के कारण से, हमने अगले 50 साल का सोच करके रखा है, और उस विज़न के कारण ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। और आज रिंग रोड्स के माध्यम से जितना शहर के बीच से जाने का काम होता है, बार बार हम उससे आधे समय में पहुँचते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। टूरिज़्म बढ़ा है, हम सब जानते हैं। ये सभी चीज़ें पॉसिबल तब हुई कि हमने शांति व्यवस्था को कायम किया। अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वो पाकिस्तान प्रस्ती, उन सभी को हमने ख़त्म किया है। आने हमारी जो GDP ग्रोथ है ड्यूरिंग कोरोना भी हमारी कम नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने इन सभी के लिए चिंता की। भारत 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इन सभी विषयों को अगर हम देखें आने वाले समय में, इस इलेक्शन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये तो एक झलक है। इस झलक मात्र के अलावा जो हमारे हमने अपने मैनिफेस्टो में वो जो काम बताए हैं, हमने केवल कभी कहा नहीं है, हमने करके दिखाया है, उसके बाद हम उसको बात को रखते हैं। और इन सब चीज़ों को, एक्सप्रेस हाईवे आज बन रहा है टूरिज्म के कारण से, स्वाभाविक बात है कि ये कटरा में या दूसरी जगह कश्मीर में जाने वाला जो टूरिस्ट है, जिसकी आज 2 करोड़ की 11 लाख जिस आंकड़े आए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये 3 करोड़ से भी आगे बढ़े, 4 करोड़ से भी आगे बढ़े, तो स्वाभाविक बात है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये भी बात कही है कि आने वाले समय में जो कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्री के हमने पैकेज भी दिए हैं, उस पैकेज के माध्यम से बहुत सा यहाँ पर लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है। अभी पिछले दिनों इस चीज़ को एक्सटेंड भी किया गया, जो पैकेज है उसको एक्सटेंड भी किया गया, क्योंकि समय की कुछ कमी रहती है। और गवर्नमेंट ने केवल ये नहीं,
जब जमीनों की हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कमी आने लगी तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको भी कहा गया, उनको भी मौका दिया गया कि आप भी आगे आइए और कहीं भी कोई भी किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाता है तो स्वाभाविक बात है जो ग्रीन इंडस्ट्री है या दूसरी इंडस्ट्री है उसको कहीं भी लगाया जा सकता है। और इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही उन्होंने इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था बनाई थी कि यहाँ पर एक ही सोच हुआ करती थी हमारी, हम सब पत्रकार बंधु जानते हैं, अपनी डोगरी भाषा में कहते हैं ना जी क्लास फोर लगवा दियो, जितने भी पैसे लग जाना करवा दियो जी, लेकिन पक्का कभी ना कभी हो जाएगा। इस प्रकार की जो एक सोच थी उसको हमने बदलना है। हम बेंगलोर में जाते हैं, नोएडा में जाते हैं, गुड़गांव में जाते हैं, वहाँ कोई सरकारी जॉब करना ही नहीं चाहता, हम अवसर पैदा करने चाहते हैं, हम जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते, नौजवान को बनाना चाहते हैं, ना कि जॉब सीकर उसको बनाना चाहते हैं। इसके अलावा स्वाभाविक बात है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं इसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उसमें स्किल्ड लेबर भी है, दूसरे जो टेक्निकल लोग हैं उसके माध्यम से उनको भी लाभ मिल रहा है। लेकिन आज सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस करके खड़ी हुई हैं, उनको पता है कि हमारी जो राजनीतिक दुकानदारी है वो बंद भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही करवा दी। और भारतीय जनता पार्टी जब ग्राउंड पर ये काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का करके दिखाया तो लोगों को एक विश्वास बना, उसी चीज को कहीं ना कहीं आज हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं है, जिनकी कोई नीति नहीं है, जिनकी कोई नीयत नहीं है, कोई ऑटोनॉमी की बात करता है, कोई सेल्फ रूल की बात करता था, कोई तीसरी बात करता था, जिनका कोई अपना स्टैंड नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के डर से इकट्ठे हुए हैं, वो पहले की तरह यहाँ पर माहौल बनाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ की डेवलपमेंट हो। जिस प्रकार से उन्होंने कई साल जो केंद्र में कमजोर सरकारें थी उनको ब्लैकमेल करके अपनी राजनीति चलाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है काम करने के लिए। हमने अगले 50 साल का जो आने वाले समय में हम काम करेंगे उसको दिखाया है। आज ये जो अछूते इलाके हैं जम्मू को टूरिज्म की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज रिलीजियस सर्कल को हम डेवलप कर रहे हैं, उसके माध्यम से यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को बहुत सा रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर हमारे रिलीजियस प्लेस हैं उनके लिए किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कें हैं सड़कों का जाल बिछाया जाए, और बहुत से 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो आज गांव की सड़क भी है उस पर भी हम चलते हैं तो उसमें लोगों को पहले से ज़्यादा फर्क नज़र आता है। यहाँ तक कि बॉर्डर तक की सड़कें हमने देखी हैं, जहाँ पर 1.5 घंटा 2 घंटे लगा करते थे आज वहाँ पर 35 मिनट 40 मिनट में हम पहुँचते हैं। हर क्षेत्र में चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दूसरे कार्य हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, सभी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जो हमने अपने इस मैनिफेस्टो में भी आने वाले समय में कटरा बनिहाल रेलवे टनल की बात कही है, ये सिंगापुर टनल की बात कही है, माता बाला सुंदरी टनल की बात कही है, छत्रगला टनल की बात कही है, देसा की ये टनल की बात कही है। मुझे याद है 2018 में जब प्रधानमंत्री जी मुझे थोड़ी देर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो तब हमने ये जोजिला टनल का काम शुरू किया था, और माननीय गडकरी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए थे, आज लगभग आधे से ज़्यादा वो कार्य पूरा हो चुका है। मेरा कहने का कुल मिलाकर के ये है कि जो काम हमने शुरू किया अपने ही कार्यकाल में उसको ख़त्म किया, और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो भी चाहे वो हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो, या कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट हो, सभी के साथ समान व्यवहार करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने सभी लोगों को इन्वॉल्व किया है, इतना मुझे कहना है। बाकी आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा करके दिखाया आगे भी करके दिखाएंगे, लोगों हम पर विश्वास करेंगे, निश्चय ही आने वाला जो दौर है नई जम्मू कश्मीर का दौर होगा, नई डेवलपमेंट का दौर होगा।
आप पे अगर कुछ प्रेशर है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए आप एक बात को समझिए, जिन लोगों को ये चिंता है उन व्यापारियों की चिंता हमारी भी चिंता थी, लेकिन आज किस प्रकार से टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ाया जाए, जम्मू में अगर कश्मीर के लिए कोई आता है तो दो दिन जम्मू भी रह करके जाए, इस प्रकार की व्यवस्था आज तवी नदी के किनारे की जा रही है। यहाँ पर जो एक मंदिर का निर्माण, तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण किया गया है, मैंने तभी कहा है सड़कों को साथ जोड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले ये है कि यहाँ के टूरिज्म को डेवलप करना। आपने साबरमती जाकर के अहमदाबाद में देखा हो किस प्रकार से शाम को वहाँ पर लोग जाकर के नदी के किनारे बैठते हैं, वही काम जम्मू में किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है। मुझे याद है उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनके साथ हम टूर कर रहे थे, जब तभी के पास पहुँचे, उनका माइंड सेट देखिए, जब तभी के पास पहुंचे हमने वो हमने बात की उसकी, शुरू की कि यहाँ पर जी वो झील की बात, नहीं 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 यहाँ सिल्ट आ जाएगी, इस प्रकार की बात करके उनको टरका करके आगे चल दी। आज समय बदला है, लोगों के सपने हैं, जम्मू कश्मीर जो यहाँ का जम्मू का व्यापारी है उसमें बहुत उत्साह है इस जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, उनकी कभी पीठ नहीं लगने देंगे, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। अब यहाँ का बिजनेस भी बढ़ेगा क्योंकि डेवलपमेंट को, अब हम रेल वहाँ चली गई, रेल वहाँ रेल जाएगी, इस डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर भी हम अवसर प्रदान करें, इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश। मेरा सवाल है स्मार्ट सिटी के लिए, ये थोड़े दिन पहले की बात है, जब बरसात के दिनों में जब बरसात आई थी लोगों के घरों में पानी चले गया पूरे शहर में, इस तरह की व्यवस्था है, ये स्मार्ट सिटी किस तरह की स्मार्ट सिटी है? आज हम संधु साहब उस दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ ये वो डेवलपमेंट का पीरियड चल रहा है। मैं मानता हूँ यहाँ से विजयपुर जाने के लिए, सांबा में जाने के लिए, क्योंकि निर्माण हो रहा है और एक साल में कितना निर्माण के लिए बदला, उसका रिंग रोड को यूज़ कर रहे हैं, जाम लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही चीज़ हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छी है। हम कहें जहाँ तक इन्होंने कहा है कुछ सरकार को सुधरना होगा, उसकी हम पता करवाएंगे, जहाँ पर इस प्रकार के काम जो आप कह रहे हैं वो किए गए उसकी भी कोशिश की जाएगी, उनके उनमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन ये चीज़ हमें भी समझनी होगी, हम ना कहीं कहीं ना कहीं हमने भी वो नालों को रोक करके, दूसरी इंक्रोचमेंट करके उसको भी रोका है, ये सभी का ये जिम्मेवारी बनती है। हम अपने अधिकारों की अगर बात करते हैं, हमारे कर्तव्य भी हमें निभाने होंगे, इस प्रकार की एक कोशिश हमारी रही है। देखिए आपकी बात सही है कि जहाँ भी इस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, पिलर्स बनाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए तैयार किया जाता है, कोई एक आध जगह को छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि कहीं, क्योंकि जब पिलर्स बनाए जाते हैं तो साइड का रास्ता निकालना स्वाभाविक बात है कि पहले निकालना। आज ये जो 6 लेन बन रही है, जो वो बन रही है, उसके लिए पहले से तैयार की जाती है। कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर कि इस प्रकार का ना हुआ हो, लेकिन उसका भी सारा जो संज्ञान है लिया जाएगा। आपने कहा सर कि भाजपा की तरफ से बाकी पार्टियां तक हो रही है, इसका कोई असर भारतीय जनता पर पड़ने वाला नहीं है, प्रीवियस इलेक्शंस में देखा गया काफी इवेंटफुल रिजल्ट जो है वो उन्होंने हासिल किया था, क्या जम्मू कश्मीर में भी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी का जो 50% का इस बार जो क्लेम है वो कहीं पूरा हो रहा है? देखिए कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बिना नहीं बनेगी, ये तय है। हम सबसे बड़ी पार्टी उभर करके इस इलेक्शन में आएंगे, ये आपको 8 अक्टूबर की जो शाम है वो तब आपको पूरा पता लगेगा।
गुप्ता साहब क्या एलसी के साथ भाजपा सरकार बनाने जा रही है क्या? अगर जो फ्रैक्चर बैंकेट आता है तो एलसी के साथ सरकार बनाएगी? नहीं, आपको ये किसने बताया है, किससे आप सुन करके आए हो? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी, ये तय है। देखिए पहले से वो जो भवन है लेकिन देखिए जब भी कोई ठीक है कुछ कारणों से, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के कारण से वो भवन यूज में नहीं आया 2018 के बाद, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार उसको तैयार नहीं करेगी। स्वाभाविक बात है कि 6 साल कहीं असेंबली नहीं लगी तो उसको तैयार होना शुरू हो गया है। तो आप कभी जाकर वहाँ टूर करिए। क्या चीज़? 13 साल तो मुझे लगता नहीं है, मुझे हमारे सामने ही शुरू हुआ था। 2011 में शुरू हुआ था, 2024 तो सरकारें तब कौन सी थी वो देखिए, जब हम आएंगे तो पूरा इसको। 3 साल तो आप भी रहे वहाँ पे। देखिए 3 साल रहे लेकिन 3 साल में वहाँ पर वही जो बना वो 3 साल में ही बना, उसके बाद रुका काम, उसका आप कारण जानते हैं। आपको घेर रही है अपोजिशन पार्टी, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें सबसे बड़ा आपने जो कहा जो इन्वेस्टमेंट है जो लोकल इन्वेस्टमेंट या बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो प्रपोजल्स बहुत आए लेकिन वो ग्राउंड पे दिख नहीं रहे। जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसको एड्रेस करने में आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाया? देखिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम व्यक्ति स्किल्ड बने उसके लिए प्रयास किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हो उसके लिए प्रयास किया, लोगों को कम खर्चे पर और सब्सिडीज दे करके लोन प्रोवाइड कराया जाए ये भी प्रयास किया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कारण ये रहा कि हम सरकारी नौकरी के पीछे MA पढ़ करके क्लास 4 के पीछे हम भागते रहे क्योंकि माहौल ऐसा था। अब उस माहौल को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है और हम ये कहेंगे कि आज अगर टूरिज्म बढ़ा है, टूरिज्म में बहुत सा स्कोप है यहाँ पर, बहुत सा पोटेंशियल है यहाँ पर। आज आप भद्रवाह की तरफ चल दूसरे तरफ चले जाओ, लोगों ने अपने पेइंग गेस्ट के हिसाब से अपने यहाँ पर शुरू किया है। वो जब 10 आदमियों को रखता है तो उसके साथ 10 काम करने वाले भी होते हैं। खाली किसी ऑफिस में नौकरी करना ये एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाती है। अगर प्रोजेक्ट चलते हैं उसके माध्यम से जो काम करते हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट है। और इसके अलावा जो लोग डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट है। खाली एक लिमिट रहती है। आपने देखा कि पिछले दिनों कुछ आंकड़े आए थे, हमारी 1.25 करोड़ की आबादी में हमारे यहाँ पर 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं लेकिन बिहार में 10 करोड़ की आबादी में 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। आखिर सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकती, इसलिए लोकल ये जो जॉब्स हैं या जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसको आगे लाना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब चुने हुए नुमाइंदे रहते हैं तो उस चीज की चिंता भी करते हैं। मैं भी पिछले दिनों बागे बाहू गया था, मुझे वहाँ पर जो फोटोग्राफर यूनियंस हैं वो साथ में लेकर के गए थे, तो जितना ध्यान वहाँ पर दिया जाना चाहिए शायद। देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में हर चीज़ सामने आ रही है, फ्री बिजली, फ्री बेस की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी और खासकर क्योंकि हमारा देश एक युवा देश है, जम्मू कश्मीर की आबादी का बेशतर हिस्सा युवा है और ऐसे में युवा आज नार्को टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। ड्रग्स एक बहुत बड़ी चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या इस तरह का कोई प्रारूप है कि ड्रग्स से मेन सोसाइटी में लाने का प्रयास युवाओं को किया जाएगा? डी एडिक्शन की बात की, रिहैबिलिटेशन की बात की या फिर काउंसलिंग सेल की बात की? बहुत बड़ी चुनौती है खास करके जम्मू कश्मीर में, हमारे बॉर्डर की तरफ से, हमारी जो सरहद है पंजाब की तरफ से, और कहीं ना कहीं उन लोगों को
चिन्हित करने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो और लोग हों जो बॉर्डर पर हैं, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। कोई अकेला व्यक्ति इसको नहीं चला सकता, इसके बहुत पीछे बहुत सा बड़ा नेक्सस रहता है। इस नेक्सस का भंडाफोड़ करने की जरूरत है। हम अपने नौजवानों की जिंदगी के साथ, उनके फ्यूचर के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं करेंगे। इस पर बहुत बड़ा एक मूव चलाया जाएगा, जिसके कारण से हमारे नौजवान कम से कम नशे में ना पड़े। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।